रेलगाड़ी की छकाछक और सीटी नॉस्टैल्जिया का शिकार कर देती है। आदमी अपने माजी से जुड़ी खूबसूरत यादों में खो के रह जाता है। ये खूबसूरत यादें कभी कभी खुशियों के साथ साथ तलखियां भी लेके आती हैं। ये तलख और शीरी यादें बीते दिनों की शबीहें बन के ख्यालों की स्क्रीन पर जलवा अफरोज हो जाती हैं। इन्हीं शबीहों में से एक खूबसूरत शबीह 20 साल पहले के सिटी रेलवे स्टेशन गुजरांवाला की है, जो आजकल खंडरात का ढेर बन चुका है। यादों की पोटली को मजीद खोलें तो उसमें से कुछ ऐसे खूबसूरत चेहरे नजर आते हैं जिन पे अहले इल्म हुनर फख्र किया करते थे। ये टी रूम के मेन हॉल में नाश्ते और चाय से सजा गोल मेज है, जिसके इर्द गिर्द गुजरांवाला शहर के नामवर लोग इल्म व अदब, सियासत व मजहब पे मुबाहस कर रहे हैं और साथ साथ मजेदार चाय से लुत्फंदोज हो रहे हैं। ख्यालात कहां से कहां निकल गए, आइए इसी टी रूम के बारे में बातें करते हैं जो आज खंडर बन चुका है। सिटी स्टेशन गुजरांवाला, ये वो जगह है जो लोगों की यादों में आज तक आबाद है। हालांकि यहां से रेलवे की बिस्तरों को, सीटियों को अलविदा हुए तकरीबन 20 साल हो गए, लेकिन आज भी लोग इस जगह को याद करते हैं। हम बात कर रहे हैं गुजरांवाला के रेलवे स्टेशन, सिटी स्टेशन जो था उसके ऊपर गुजरांवाला टी रूम की, जो हमारे ये इधर लेफ्ट साइड पे है। ये टी रूम कभी गुजरांवाला के लिटरेरी, अदबी और सियासी लोगों की आमाजगा था, सब लोग यहाँ बैठते थे। आज हम गुजरांवाला टी रूम और गुजरांवाला स्टेशन, इसके बारे में बातें करेंगे। हमारे साथ हैं जनाब खालिद महमूद साहब, जो गुजरांवाला टी रूम के बाकायदा मेंबर थे, तो हम इनसे बात करेंगे। खालिद साहब, आज आप कैसा महसूस करते हैं बातें करते हुए गुजरांवाला टी रूम के खंडर के ऊपर? क्या यादों को रिकॉल करें, ज़रा हमें बताएं माजी में किस जगह ये, किस तरह ये जगह आबाद थी? ये एग्जैक्टली इसी वक्त शाम के इस वक्त यहाँ पे टी रूम के अंदर और बाहर के बेंचों में हमारे गुजरांवाला शहर के जो अदीब थे, शायर, पॉलिटिशन और दीगर शोभा है ज़िंदगी से तल्लक रखने वाले लोग, वो यहाँ पे जमा होते थे, चाय पीते थे। हाफ सेट यहाँ का चाय का सेट बहुत मशहूर हुआ करता था। और आज ये देख के, खंडर देख के हमें ये महसूस हो रहा है कि जैसे गालिब का शेर है कि हर एक मकान को है मकीन से शर्फ असद, मजनू जो मर गया है तो जंगल उदास। तो यहाँ पे इतनी शख्सियात थी, मुख्तार आपको बताएंगे, हम रिकॉल कर रहे हैं उन लोगों को जो यहाँ पे आगे बैठा करते थे और वो पाइनियर थे। और मैं इसको, बाद लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि उस वक़्त जब ये टी रूम बिल्कुल जवान था और यहाँ पे गुजरांवाला की सिविल सोसाइटी आके बैठती थी और दुनिया भर के मसाइल पे और पॉलिटिक्स पे और मुआशी मसाइल पे डिस्कस करती थी, उस वक्त इस ये ऐसे ही था जैसे पेरिस में किसी ज़माने में कैफे डी फ्लोर था या न्यूयॉर्क में अलगानक्विन राउंड टेबल जो था वो बड़ा मशहूर था। तो इसी तरह हर शहर का कोई ना कोई एक फेवरेट हैंग आउट होता है, प्लेस होती है। तो ये एक मरकजी जो है ना हमारी सिविल सोसाइटी का एक मरकजी, मतलब यहाँ पे मीटिंग पॉइंट था सुबह से लेके शाम तक, रात तक। और रात को तो ऐसा था कि गुजरांवाला टी रूम के बासियों ने अपनी प्लास्टिक की कुर्सियाँ भी मंगवा रखी थी। तो जब गर्मियाँ होती थी तो इसके सहन में जब घुटन होती थी, बड़ी शदीद हबस होती थी, तो यहाँ पे कुर्सियाँ बाहर पीछे इस जगह पे लगा के तो लोग आके बैठते थे और गपशप लगा के फिर अपने अपने घरों को चला जाते थे। और बहुत से लोग दफ्तरों में, और दफ्तरों में हमारे जो शायर, जो अदीब हैं, उनमें से हमारे सीनियर एक शायर हैं अंसर अली अंसर, 79 में गालबन उनकी किताब आई थी बर्फ़रुत में गुलाब, और उसी दौर में महमूद अहमद काजी की किताब थी हवा, उनके अफसानों का पहला मजमूआ छपा था।
और बाद में अकबर मेदी साहब यहाँ पे बैठते रहे। अकबर मेदी साहब की कई किताबें शाया हुई, शाये भी लिखे उन्होंने और शायरी की, वो बड़े कमाल के शायर थे अकबर मेदी साहब। उनका एक मिसरा मुझे आज भी याद है, वो शेर है उनका कि आँख जिसकी लड़ी नहीं होती उसकी दुनिया बड़ी नहीं होती। और यहाँ पे मेरे दोस्त थे जमशेद साई साहब मरहूम, पंजाबी के बहुत अच्छे शायर थे, उनकी किताब थी त्रे, वो भी उन्होंने मुझे अनायत की। और यहाँ पे हम बहुत सारे लोग, बहुत सी शख्सियात इल्म व अदब की और टेलीविज़न की, दिलदार परवेज भट्टी साहब यहाँ पे आया करते थे, बैठते थे। उनके भाई जो थे इफ्तिखार भट्टी साहब, वो तो डेली तकरीबन यहाँ पे टी रूम में आने वालों में से शामिल थे। इसके अलावा मुख्तार अभी आपको बताते हैं सईद भट्टी साहब से ऑनवर्ड। जी एक्चुअली खल साहब, क्या क्या नाबगाए रोज़गार शख्सियतें थी जी, जी जो यहाँ बैठा करती थी और इलम के मोती बिखेरा करती थी। जी जी मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है सईद भट्टी साहब या हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब अयूब थानेदार साहब। बिल्कुल, जब वो बैठते थे तो हमने सोशलिज्म और तरक्की पसंदी की जो पहली क्लास थी ना, वो उन्हीं से इसी टी रूम के अंदर बैठ के ली। जी जी बिल्कुल, क्योंकि अयूब साहब जो थे वो तो स्टडी सर्कल लगाते थे अयूब के दौर में। जी जी, और हमारे वो उस दौर में हिस्ट्री के ऊपर जितना उन्हें अबूर हासिल था, वो एक्सपर्ट थे, अथॉरिटी माने जाते जी, थे बिल्कुल ऐसे के ऊपर। और उनके शिगिर्दों में आप भी थे, यहाँ पे असद मलिक भी आके बैठा करते थे, बाकी दीगर लोग भी बहुत सारे थे। बहुत सारे लोग थे जिनके नाम इस वक्त हम भूल रहे हैं बदकिस्मती से। तो एक हजूम था, एक कहकशां थी जो इधर हर शाम को उतरा करती थी गुजरांवाला टी रूम में, और लोगों को एक शानदार जगह दस्तयाब थी शाम गुजारने के लिए। बिल्कुल, और ना सिर्फ शाम गुजारने के लिए बल्कि अपनी ज़ात का कथारसिस करने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं थी। कोई जगह, ये आप कह लें कि गुजरांवाला का जो है हाइड पार्क थी ये गुजरांवाला टी रूम जो था। जी एग्जैक्टली, कोई बंदा बगैर किसी खौफ के कोई भी बात इधर कर सकता था। हालांकि इस जगह पर मुख्तलिफ नुक्ते नज़र के लोग बैठते थे, लेकिन लोगों में इतना ज़र्फ था, इतना सब्र था, इतनी बर्दाश्त थी कि वो सब लोगों की बातें जो हैं वो तवज्जो से और पूरी दिलजमई से सुनते थे, और उन बातों में से कुछ ना कुछ दूसरे लोग भी जो है ना इस्तेफादा करते थे। एग्जैक्टली, ये हमारे सिटी का जो प्लूरलिज्म है, सुलह कुल का जो एक ठिकाना था, उसमें से सबसे बड़ा ठिकाना यही था। यहाँ पे जमात इस्लामी के लोग, मुस्लिम लीग के, पीपल्स पार्टी के और हर मकतबा फिक्र के लोग यहाँ पे आके बैठते थे, गपशप लगाते थे, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ तल्लक जो था वो बिल्कुल भाइयों जैसा था। मतलब कोई किसी के हाँ कोई फौजगी हो गई है तो सारे इधर नोटिस लग जाता था कि फलां जगह पे जनाजा इतने बजे फलां जगह पे होगा, सब लोग वहाँ पहुँच जाते थे। और आई विटनेस में से अगर आप अभी हमारे पीर फरीद साहब हैं, जी जी जी, अभी इलेक्शन में भी वो खड़े थे, तो वो यहाँ पे रेगुलर आने वालों में शामिल थे। बहुत सारे लोग थे और बड़ी बड़ी खूबसूरत हस्तियाँ यहाँ पे। अभी हम यहाँ उसके मलबे पे खड़े हैं तो इस वक्त वो दिल को जो है ना बड़ी वो एक्चुअली ये एक नोहा है जो हम बयान कर रहे हैं। एक दूसरे एंगल से टी रूम की बात करते हैं, गुजरांवाला टी रूम और गुजरांवाला सिटी स्टेशन, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिली हुई चीज़ें थी। जी जी बिल्कुल, जैसे ही गुजरांवाला सिटी स्टेशन इधर से ख़त्म हुआ, उसको डिसमेंटल किया गया, तो ना सिर्फ उसके साथ ही ये गुजरांवाला टी रूम जो है ये भी तकरीबन जो है वो बंद कर दिया गया, लोगों का आना जाना जो था वो बहुत कम हो गया। तो मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो स्टेशन है इसको ख़त्म करना ज़रूरी था शहर के लिए? ये बस एक ऐसा विम्सिकल डिसीजन था, क्योंकि आमरियत का दौर था, परवेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, जावेद अशरफ काजी साहब रेलवे के वफाकी वजीर थे और जीएम जो थे वो सईदुज़फ़र थे, गालबन मेजर जनरल या मुझे अब श्योर नहीं है। उन्होंने यहाँ पे विजिट किया और इसको शिफ्ट करने का इरादा कर लिया। और एक बड़ी पते की बात आपको बताऊँ कि आज तक रेवेन्यू जो है गुजरांवाला सिटी रेलवे स्टेशन की बुकिंग का, टिकट की सेल का, वो आज तक पूरा नहीं हो सका। जो यहाँ पे रेवेन्यू की सेल थी टिकटों की, वहाँ पे नहीं है। और वो लोगों को वो स्टेशन जो है ना कन्वीनियंट भी नहीं है, बहुत सारे मुसाफिर वहाँ पे दिन दिहाड़े लूटे गए। और इसको वापस लाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने लतीफ़ डार साहब मरहूम और शेख सईद साहब थे रेलवे एजेंसी के, आफत तकीउद्दीन साहब,
सब लोगों ने दस्तखत किए, बड़ी दरख्वास्तें डाली, बड़ी अर्जदाश्त उनको डाली कि इसको ना बहाल किया जाए, लेकिन वो कभी बहाल नहीं हुआ। और आज हम इसलिए यहाँ पे खड़े हैं कि दुनिया जो है ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा ये सिलसिला है कि अगर हम यहाँ पे शटल ट्रेन चलाते, सियालकोट से लाहौर, बरासा, वजीराबाद, यहाँ पे बाउ ट्रेन चला करती थी और मुन्नू भाई भी उसके मुसाफरों में शामिल थे और उन्होंने बकायदा एक सीरियल ड्रामा का लिखा जो बाउ ट्रेन के नाम से पीटीवी पे चला भी था। और ये दफ्तरों में जाने वाले बाबू लोग और दूसरे प्राइवेट बिजनेसमैन, स्टूडेंट बहुत सफ़र करते थे। आज हमारी सूरत हाल ये है कि गुजरांवाला 3 मिलियन से ज़्यादा आबादी है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो फेस होती है हमारी जो है ना वो बेटियों को है, जो स्टूडेंट हैं जो लाहौर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में जाती हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए भी, और उनको डेली जो है ना वो जीटी रोड पे उनका सफ़र जो है वो 2 घंटे की कम्यूट आने की है, 2 घंटे की जाने की है। तो ये ट्रेन जो है यहाँ से 42 माइल्स है लाहौर रेलवे स्टेशन, और पैसेंजर ट्रेन बाउ ट्रेन जो है वो 1.25 घंटे 1.5 घंटे में लाहौर पहुंच जाती थी। एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर जी लाहौर पहुंच जाती थी। अच्छा खान साहब, ऐसे है कि क्या ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस गुजरांवाला सिटी स्टेशन को आबाद किया जाए? बहुत सारे शहरों में 3-3, 4-4 स्टेशन भी हैं, जैसे कराची है, बड़े शहरों में गुजरांवाला भी कोई छोटा शहर नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गुजरांवाला की इंतज़ामिया, पाकिस्तान रेलवे, ये कुछ ऐसा हल निकालें इस स्टेशन का? ये देखिए कितनी बड़ी जगह जो है वीरान पड़ी है कि अगर जो इंटरसिटी ट्रैफिक जो है अगर इधर से शुरू की जाए, जो शटल ट्रेन की शक्ल में गुजरांवाला से लाहौर, लाहौर से गुजरांवाला, इसी तरह गुजरांवाला से आगे अपवर्ड पिंडी तक, कोई ऐसा सिलसिला नहीं बन सकता क्या? अगर ऐसा सिलसिला शुरू किया जाए तो पाकिस्तान रेलवे के लिए क्या इकोनॉमिकली वो बेहतरीन टास्क नहीं होगा? बेहतरीन होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि गुजरांवाला की ये जो जीटी रोड है, जर्नैली सड़क है, इसके ऊपर फसल फ्यूल की जो बर्निंग का जो है वो लोड हम कम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। आप छोटी सी मोटरसाइकिल ले लें, वो 1 किलोमीटर में 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना उसका मिशन होता है अदर ट्रेसेस के अलावा। तो जो बड़ी गाड़ी हैं उनका हिसाब लगा लें कि वो कितना होगा। अगर ट्रेन यहाँ पर चलें और ये हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट्स है उसमें बहुत हद तक कमी आए और माहौलियात में इजाफा हो, मतलब इसमें बेहतरी आए काफ़ी, दरख्तों का, लैंडस्केपिंग का, बाकी चीज़ों का, और लोगों का टाइम भी इसमें बचे। अभी ये सूरत हाल है कि मैंने सुनना है कि 7,000 से ज़्यादा एम्प्लॉज़ हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के और तकरीबन 4,000 मील से ज़्यादा लंबे हमारे रेलवे ट्रैक्स हैं मगरबी पाकिस्तान में इस जगह पर। सही। तो हमने ट्रेनें बहुत सारी बंद कर रखी हैं और बहुत सारे जो मतलब सेक्टर हैं वो वहाँ पे ट्रेनें तो बिल्कुल ही बंद है। जैसे रावलपिंडी से चकवाल ट्रेन जाया करती थी, लाहौर से नारोवाल, शकरगढ़, चक अमरू तक ट्रेन चलती थी और वो बहुत सारा जो है ना सड़क का लोड जो है ना उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता था। बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है और अभी भी जो साहबान इकतदार हैं वो इसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें। और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, पटरी पहले से बिछी हुई है, ट्रेनें मौजूद हैं, अमला मौजूद है और उन ट्रेनों को जो है वो रेनोवेट करके इसके ऊपर वो ट्रेनें चला सकते हैं और इसके पाकिस्तान को ग्रीन पाकिस्तान बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें वैसे एक और भी तवक्को है, शायद दूसरी जो ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसका पॉलिटिकली कोई इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन आम तौर पे आम आवाम के काम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है, आम तौर पे देखा ये गया है। इस वक्त जैसे कि मरकज में अभी सदर आसफ अली जरदारी वो सदर पाकिस्तान बन चुके हैं, तो हम उनसे ये तवक्को करेंगे चूँकि आप पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो वो आम पीपल्स के लिए, आम कामन शहरी जो हैं, आम लोग जो हैं उनके लिए शहरी सहूलतों को ज़्यादा करने के लिए इस स्टेशन के ऊपर भी थोड़ा सा वो अपना तवज्जो करेंगे ताकि लोगों को सस्ती, आसान, इजी अप्रोच जो है, ये देखें अभी अब मेन गेट से बाहर निकलें तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर के ऊपर जीटी रोड है, लोग बहुत थोड़े खर्चे में लाहौर जा सकते हैं और लाहौर से जब इधर आके उतरते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हर बंदा जो अंदरून शहर में रहता है वो 10 मिनट में पैदल अपने घर तक ना पहुँच जाए। तो इंतहाई ज़्यादा फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट है ये रेलवे के लिए भी, और तवक्को करेंगे गवर्नमेंट से कि वो इसके ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो करें ताकि ना सिर्फ ये कि ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग वीरान पड़ी है, तबाह हो रही है, इसको भी इस्तेमाल में लाया जा सके बल्कि लोगों को आसान सफरी सहूलतें भी दस्तयाब हो सके।
देखें यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये रेलवे प्लेटफॉर्म पहले से मौजूद है, ये बिल्डिंग जो है ये दोबारा जो है रेनोवेट हो सकती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और रेवेन्यू जो है वो डेफिनेटली बढ़ेगा और पाकिस्तान रेल जो है वो जब मुनाफे में जाएगी तो हमारे पूरे मुल्क का फ़ायदा है, उसमें किसी का इंडिविजुअल का फ़ायदा नहीं है। तो बाकी अभी ये नई गवर्नमेंट बनी है, चैलेंजेज उनके बेशुमार हैं, बल्कि बाद चैलेंजेज तो ऐसे हैं कि वो उस पर गौर करते हैं तो हमें बड़ा दिल पे खौफ तारी हो जाता है यार कि पाकिस्तान इसमें से कैसे निकलेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि सबको मिल बैठ के इन मसाइल से निबड़ना चाहिए और माहौलियात की जो तबाही है पाकिस्तान में फॉसिल फ्यूल की वजह से उसको कम करने की तरफ ज़्यादा गौर करना है। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू सो मच, ठीक है।